यहाँ पे उपस्थित मेरे उत्तर प्रदेश के पोल्ट्री फार्मर आईबी ग्रुप के सब कर्मचारी, आप सबका स्वागत करता हूँ। साथ में ही मैं मैडम स्मृति ईरानी जी, हमारे एमएलए राजा भाई शरण सिंह जी, सानिया छाबड़ा जी, राजेश अग्रवाली जी, राजीव पाठक जी, और आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग आज हमारे बीच में आए हैं। इसके साथ ही मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी ये सोच पूरे देश के हर प्रदेश में, खास करके यूपी में गांव का विकास होना चाहिए, गांव में उद्योग स्थापित होना चाहिए, गांव का आदमी गांव में रहकर अपना विकास करे, परिवार चलाए, इस सोच को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव पैकेज दिया गया, जिसके कारण ये आज हमारा फीड प्लांट और हेचरी यहाँ पे है। तो हम बोलते मोदी जी के नाम से इसका स्वागत होना चाहिए। इसके साथ हम हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, जिन्होंने मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाने में कदम से कदम उनका साथ बढ़ाया और आगे बढ़ा के हमको यहाँ तक पहुँचाया है। और इसके साथ ही मैं मैडम स्मृति रानी जी का भी धन्यवाद दूंगा कि ये उनके सहयोग से, उनके सपोर्ट से, उनकी चाहत से आपके अमेठी में आया, यूपी में आया, इसलिए मैं मैडम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ताली बजा के उनका भी स्वागत किया जाए। जब यहाँ के बारे में चिंतित होता है यूपी के बारे में कि कैसा काम क्या होना चाहिए, तब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी आज हमारी इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ की आज हमारे पास इंडस्ट्री है पूरी पोल्ट्री की, उसमें सिर्फ आपके पास 3,830 करोड़, मतलब सिर्फ 2.5% ही आपका यूपी का शेयर है, जबकि आपका शेयर होना चाहिए 20% पॉपुलेशन वाइज। आप कितने पीछे हैं, अपन यूपी कितना पीछे है। हमने इसके लिए मैडम से चिंतित किया, मैडम ने इसी के लिए हमको यहाँ पे बुलाया कि आप आइए, हमारे यूपी को आगे बढ़ाइए, गांव-गांव में रोजगार क्रिएट कीजिए और महिलाओं को भी जोड़िए। इस सोच के साथ हम आए और ये बताते हुए खुशी हो रही कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा फीड प्लांट और सबसे बड़ी हेचरी अमेठी जिले में मैडम के सपोर्ट से, पुरुषोत्तम रूपाला जी के और मोदी जी के सहयोग से बना। 2006 में डॉक्टर रमन सिंह के माध्यम से हमारे 600 टन सॉल्वेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ था 2006 में। 2014 में डॉक्टर रमन सिंह ने पुनः हमारा 1200 टन का फीड प्लांट का उद्घाटन किया था राजनांदगांव में। 2012 में इंडिया की पोल्ट्री की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस 1 लाख स्क्वायर फीट का उसका उद्घाटन किया था। 2020 में गिरिराज सिंह जी ने बिहार का हमारा फीड प्लांट जो यहाँ के बराबर का है उसका उद्घाटन किया था। 2021 में शिवराज सिंह जी हमारे एमपी का प्लांट जो 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है उसका वर्चुअल भूमि पूजन किया था। और आज 2023 में हमारी मैडम ने हमारा इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। मैं सब के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज ये हमारा प्लांट लगभग 160 करोड़ रुपए का यहाँ बनाया है, ताकि यहाँ के 10,000 पोल्ट्री फार्मों को हम यहाँ पे ला के पोल्ट्री फार्म चलाएंगे। आज की तारीख में हमारे पास 2,500 पोल्ट्री फार्म है। अभी मैं यहाँ पे युवा पोल्ट्री फार्मों से मिल रहा था, तो मैडम जी मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी कि यहाँ के युवा वर्ग आज जो मुझे मिले हैं सब पोल्ट्री का एक्सपांसन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए सब तैयार हैं। आज हम पोल्ट्री क्यों करना चाहते हैं, पोल्ट्री के पीछे लॉजिक क्या है? पोल्ट्री अपना ये बहुत पुराना शब्द हो गया है, अब पोल्ट्री हट गई, अब प्रोटीन बेस्ड कंपनी हो गई है। पोल्ट्री में प्रोटीन है, जो हम रिटेलरों को 200 रुपये किलो में बेचते हैं, आज भी हमारे कंट्री में 60% प्रोटीन यूज़ हो रहा, 40% की डिफिसिट है। जब 40% प्रोटीन का प्रोडक्शन करना, हमको कम से कम 10 साल लगेंगे जो डिफिसिट को, उसके बाद उसको मेंटेन करना है। तो आप सोच के चलिए कि पोल्ट्री में कितनी अपॉर्चुनिटी है, काम करना है और गाँव के लोगों को आगे बढ़ना है। चलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और ख़ास करके यहाँ के अधिकारीगण, चाहे DIC हो चाहे SDM हो, सब ने काफ़ी कोशिश मेहनत की है और हमको आगे बढ़ाया है, और आप लोगों का प्यार इसने जो हमारे साथ था जिसके कारण हम आगे बढ़े, सबको धन्यवाद देते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।